हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है राजेश और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक फाइंडर में एक बार फिर से स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सोना कॉमस्टार के शेयर के बारे में। जानेंगे कंपनी का जो बिज़नेस है वो किस तरीके से काम करता है और जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो किस किस क्षेत्र से आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सोना BLW प्रिसिशन फोर्जिंग जो है दोस्तों, ये इंडिया बेस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है। जो कंपनी है दोस्तों, वो ऑटोमोटिव सिस्टम्स और कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइनिंग और सप्लाई करती है। और ये इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, कंपोनेंट्स आते हैं, तो वो भी देखिए। डिफरेंशियल असेंबलीज कंपनी बनाती है, गियर्स बनाती है, कन्वेंशनल एंड माइक्रो हाइब्रिड मोटर्स बनाती है और EV ट्रैक्शन मोटर्स बनाती है। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है, ये 8.7% मार्केट शेयर ग्लोबल मार्केट में एक्वायर करती है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में। और दोस्तों, इसके जो क्लाइंट हैं दोस्तों, अशोक लेलैंड, M&M, एस्कॉर्ट्स, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, रेनॉल्ट, निसान, मारुति सुजुकी, वॉल्वो, आयशा मोटर, तो ये सब दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज जो हैं इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। सो कंपनी का जो 75% ऑफ द रिवेन्यू है दोस्तों, वो एक्सपोर्ट्स से आता है। कंपनी के जो दोस्तों 9 मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें से इंडिया में 6 हैं और 3 फैसिलिटीज़ जो हैं दोस्तों चाइना, USA और मैक्सिको में हैं। रिवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंशिएटेड असेंबली है, वहाँ से कंपनी को 27% का रिवेन्यू आ रहा है। और वहीं माइक्रो हाइब्रिड मोटर्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ से कंपनी का जो 26% का रिवेन्यू आ रहा है और डिफरेंशिएटेड गियर्स से 25% का रिवेन्यू और कन्वेंशनल स्टार्टर मोटर से कंपनी को 17% का रिवेन्यू आता है दोस्तों। और वहीं 5% जो है वो अदर्स से आता है। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 31,794 करोड़ रुपीज़ का है। वहीं अगर करंट मार्केट प्राइस देखें तो कंपनी का 547 रुपीज़ का है और डिविडेंड यील्ड कंपनी की 0.52% की है। और स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो दोस्तों 81 का है और ROE 18.3% की है। वहीं दोस्तों, अगर ROCE की बात करी जाए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 22% की है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करी जाए तो बहुत ही कमाल की निकल के आती है, 37% की। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 38% की आती है दोस्तों निकल के। और इस शेयर की फेस वैल्यू है दोस्तों 10 रुपये। अगर दोस्तों बात करी जाए कंपनी के इन्वेंट्री डेज की, इन्वेंट्री डेज का मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब ये होता है कि जो भी कंपनी ने सामान बनाया है तो उसको बिकने में कितना टाइम लग रहा है दोस्तों। सो इससे पहले मार्च 2018 में 619 दिन का इन्वेंट्री डेज था दोस्तों, और अभी जो है मार्च 2023 में 97 डेज पर आ गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में 33% के जो शेयर हैं वो प्रमोटर्स होल्ड करती है। और वहीं दोस्तों बात करी जाए FIIs के पास में, तो FIIs के पास में 25% की हिस्सेदारी है और DIIs के पास 31% के स्टेक होल्ड करते हैं DIIs। और वहीं दोस्तों अगर बात करी जाए पब्लिक की तो 11% पब्लिक के पास हैं। अगर वहीं रिवेन्यू की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो रिवेन्यू है 2018 में 612 करोड़ का हुआ करता था, और उसके बाद कंपनी का जो 2019 में 699 करोड़ का रिवेन्यू हो गया था। और उसके बाद आप देखिए कंटिन्यू जो कंपनी का रिवेन्यू है वो ग्रोथ करता जा रहा है और 2023 में 2676 करोड़ का रिवेन्यू कंपनी का टोटल है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 26% ग्रोथ हुआ है लास्ट ईयर से। और वहीं कंपनी ने जो कंपनी का जो रिवेन्यू है दोस्तों, वो 34.5% के रेट से ईयर रिवेन्यू ग्रो हुआ है कंपनी का। और एबिटा की अगर बात करी जाए तो 25% के ग्रोथ से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो हुआ है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, कंपनी में जो नेट ऑर्डर बुक है, यानी कि जो इसका 2023 का जो रिवेन्यू है टोटल, तो उसमें जो कंपनी का जो भी रिवेन्यू है उसमें से 77% जो शेयर है वो EV से आया है दोस्तों। और कंपनी ने दोस्तों अपना जो पोर्टफोलियो है, प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है, उसको भी एक्सपेंड किया है। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक कार्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, तो कंपनी ने सेम यही चीज़ आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक में 3-व्हीलर्स में भी कंपनी ने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, नए प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं। तो कंपनी है दोस्तों वो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में ज़्यादा काम कर। और वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो आप नेट प्रॉफिट देख सकते हैं 2018 में 78 करोड़ का हुआ करता था और फिर बढ़ के 2019 में 173 करोड़ का हुआ। उसके बाद आप देखेंगे 2020 में 360 करोड़ का हुआ। उसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी 2023 में 395 करोड़ रुपीज़ का हो चुका है। इसके चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं स्टॉक में कि जो इम्पोर्टेंट लेवल है दोस्तों वो है 500 रुपीज़ का। स्टॉक 500 रुपीज़ का जो लेवल है दोस्तों, इसको काफ़ी टाइम
स्टॉक ने होल्ड किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेंज भी स्टॉक में बनी हुई थी, जहाँ पे जो स्टॉक की जो रेंज थी दोस्तों 530 रुपीज़ की थी और नीचे की ओर 500 रुपीज़ की थी। तो 500 से 530 रुपीज़ की जो रेंज थी स्टॉक की वो काफ़ी टाइम तक की चली, और स्टॉक ने जैसे ही इस रेंज का आप देख भी सकते हैं, यहाँ से जैसे ही स्टॉक ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया उसके बाद से स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा अभी भी ऊपर की तरफ ही बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और स्टॉक में एक और पैटर्न भी आप देखेंगे तो यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन भी मार्क कर सकते हैं, और ये जो नीचे की साइड में ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न भी इसमें फॉर्म होता हुआ देखने को मिला था, जहाँ पे स्टॉक था जो था इस दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में स्टॉक ट्रैवल कर रहा था। तो आप देख भी सकते हैं यहीं पर इसकी स्टॉक की चाल बनी हुई थी और कंटिन्यू जो स्टॉक था इसी पैटर्न में चलता जा रहा था, और उसके बाद यहाँ पर स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला और स्टॉक कितना अच्छा निकला वो आप देख भी सकते हैं, क्योंकि जो स्टॉक है दोस्तों काफ़ी ऊपरी लेवल से करेक्ट होकर नीचे की तरफ आया था। करीब ये स्टॉक 750 रुपीज़ से नीचे की ओर आने स्टार्ट हुआ था और ये काफ़ी टाइम तक ये स्टॉक गिरता गया था, और अभी आप देख रहे हैं कि स्टॉक में एक रिवर्सल बना है और स्टॉक जो है दोस्तों वापस ऊपर की तरफ निकल चुका है। यहाँ पे हम दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम देखें तो मंथली टाइम फ्रेम में भी हम यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिला है, और स्टॉक अगर 600 रुपये के ऊपर निकलता है तो स्टॉक में हमें और बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म में दोस्तों हमें ईजिली 680 रुपये से 700 रुपये के बीच में ये स्टॉक जाते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि फंडामेंटल दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त हैं स्टॉक के। तो इस स्टॉक को आप अपनी वॉचलिस्ट और रडार में रख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप किसी और कंपनी का इसी तरह से डिटेल एनालिसिस चाहते हैं तो आप कंपनी का नाम कमेंट करिएगा, वहाँ से उसके बाद मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।